স্থলে জলে অন্তরীক্ষে আলোর ছটা, যে দৃশ্য একবার দেখলে চোখ ফেরানো কঠিন। দীপাবলি উপলক্ষে আলোকিত অযোধ্যা, সন্ধি পুজো আরতি, 20 লক্ষ প্রদীপে সেজে উঠল সরজুর্তি। অযোধ্যায় দীপোৎসবের সূচনা করলেন প্রধানমন্ত্রী। লেজার শোয়ে দেখানো হল রামায়ণের কাহিনী। আকাশ ঢাকল আতশবাজি। দীপোৎসবের সূচনা উপলক্ষে এদিন অযোধ্যায় উপস্থিত ছিলেন নরেন্দ্র মোদী। আজ অযোধ্যা নগরী ভারত কে সাংস্কৃতিক পুনর্জাগরণ কে স্বর্ণিম অধ্যায় কা প্রতিবিম্ব হয়। মুঝে বিশ্বাস হয় আধ্যাত্মিক প্রকাশ ভারত কি প্রগতি কা পথ প্রদর্শন করেগা। অযোধ্যায় চলছে রাম মন্দির নির্মাণের কাজ। রামলালা দর্শন করে এদিন আরতি করেন প্রধানমন্ত্রী। পরে অযোধ্যায় শ্রীরামচন্দ্রের প্রতীকী রাজ্যাভিষেক করেন নরেন্দ্র মোদী। সরজুর তীরে এদিন জ্বালানো হয় 20 লক্ষ প্রদীপ। 2021 সালে জ্বালানো হয় 12 লক্ষ প্রদীপ। সব থেকে বেশি তেলের প্রদীপ জ্বালানোর জন্য গিনেস বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে নাম ওঠে অযোধ্যার। এবার নিজের রেকর্ড নিজেই ভাঙল সে। এবিপি আনন্দ। সাথিও আজাদী কে অমৃতকাল মে দেশ নে অপনি বিরাসত পর গর্ব আর গুলামি কি মানসিকতা সে মুক্তি কা আহ্বান কিয়া হ্যায়। এ প্রেরণা ভি হমে প্রভু রাম সে মিলতি হ্যায়। উনহোনে কাহা থা জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সি, ইয়ানে বো স্বর্ণময় লঙ্কা কে সামনে ভি হীন ভাবনা মে নহি আয়ে, বল্কি উনহোনে কাহা কি মা অর মাতৃভূমি স্বর্গ সে ভি বড়কর কে হ্যায়। इसी आत्मविश्वास के साथ जब वो अयोध्या में लौट कर आते हैं तब अयोध्या के बारे में कहा जाता है, नवग्रह निखर अनिक बनाई जनु धे अमरावती आई, यानी अयोध्या की तुलना स्वर्ग से की गई है। इसलिए भाई और बहनों, जब राष्ट्र निर्माण का संकल्प होता है, नागरिकों में देश के लिए सेवा भाव होता है, तो भी और तभी राष्ट्र विकास की असीम ऊंचाइयों को छूता है। एक समय था जब राम के बारे में हमारी संस्कृति और सभ्यता के बारे में बात करने तक से बचा जाता था। इसी देश में राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाए जाते थे। उसका परिणाम क्या हुआ? हमारे धार्मिक सांस्कृतिक स्थान और नगर पीछे छूटते चले गए। हम यही अयोध्या के राम घाट पर आते थे तो दुर्दशा देखकर मन दुखी हो जाता था। काशी की तंग हाली वो गंदगी और वो गलियां परेशान कर देती थी। जिन स्थानों को हम अपनी पहचान का, अपने अस्तित्व का प्रतीक मानते थे, जब वही बदहाल थे तो देश के उत्थान का मनोबल अपने आप टूट जाता था। साथियों, बीते 8 वर्षों में देश ने हीन भावना की इन बेड़ियों को तोड़ा है। हमने भारत के तीर्थों के विकास के एक समग्र सोच को सामने रखा है। हमने राम मंदिर और काशी विश्वनाथ धाम से लेकर केदारनाथ और महाकाल महालोक तक गणगौर उपेक्षा के शिकार हमारी आस्था के स्थानों के गौरव को पुनर्जीवित किया है। एक समग्र प्रयास कैसे समग्र विकास का जरिया बन जाता है, आज देश इसका साक्षी है। आज अयोध्या के विकास के लिए हजारों करोड़ रुपए की नई योजनाएं शुरू की गई है। सड़कों का विकास हो रहा है, चौराहों और घाटों का सौंदर्यीकरण हो रहा है, नए इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं, यानी अयोध्या का विकास नए आयाम छू रहा है।